सो हाय गाइस, आज स्मार्टफोन के बारे में बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे गेम्स के बारे में। और गेम्स की बात की जाए तो सबके मन में एक ही नाम आता है, पबजी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। तो ये इंडिया में काफी ज्यादा खेला जा रहा था और इसको अभी हाल ही में बैन कर दिया गया है। और इससे काफी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, चाहे वो इंडियन गेमर्स हो, स्ट्रीमर्स हो या स्टूडेंट्स हो। और जिनको पबजी बैन होने से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। और ये खबर है कि एक नया गेम लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, यानी फौजी, FAUG। और ये डेवलप किया गया है एनकोर की तरफ से और इनका हेड ऑफिस है बैंगलोर में एनकोर गेम्स के नाम से। और जो फौजी के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है अक्षय कुमार, और उन्होंने ये भी बताया कि इसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 20% हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को डोनेट हो जाएगा, जो कि बहुत कमाल की बात है। और ये 20% डोनेशन जो होगा ये भारत के वीर ऐप में होगा और ये पबजी की तरह एक्शन गेम है। और अक्षय कुमार की तरफ से ये भी बोला गया है कि सपोर्टिंग पीएम नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर मूवमेंट, कि अक्षय कुमार आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करते हैं और फौजी गेम लॉन्च कर रहे हैं जो कि मेड इन इंडिया है। और ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में और इसके पोस्टर पे लिखा भी है कमिंग सून। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जो भी पबजी जैसी गेम को खेलता था और बैन होने के बाद सैड हो गया, और उनको ये वीडियो शेयर करें और बताएं फौजी गेम लॉन्च हो रहा है जो कि मेड इन इंडिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।